बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी यूनिट नंबर 3, लाइफ फंक्शन, एंड द टॉपिक्स ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर आर मूवमेंट एंड ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स के बारे में और उनके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। व्हाट डज इट मीन टू बी अलाइव? कि आपको अर्थ में लिविंग थिंग्स की बहुत डिफरेंट वैरायटी नज़र आती है, तो आपके मुताबिक अलाइव यानी कि जिंदा होने का क्या मतलब होता है? व्हाट करैक्टरिस्टिक्स डू ऑल ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स हैव दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? वो ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट करती हैं, यानी कि जिससे आपको पता लगता है कि ये चीज़ जानदार है और ये चीज़ जानदार नहीं है। लेट अस स्टडी दीज फीचर्स इन डिटेल। इन फीचर्स को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू। दीज जॉब्स और टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। लिविंग थिंग्स परफॉर्म दीज फंक्शंस टू स्टे अलाइव। लिविंग थिंग्स कुछ जॉब या कुछ काम अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, और लिविंग थिंग्स को ये काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदा रहने के लिए। इसके बगैर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे। ये फंक्शंस तमाम एनिमल्स एक ही तरीके से परफॉर्म नहीं करते। एनिमल्स में भी आपको डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आएंगी कि कौन सा एनिमल वो काम कैसे करता है। नॉट ऑल प्लांट्स परफॉर्म दीज फंक्शंस इन द सेम वे। इसी तरह आपको प्लांट्स में भी वेरिएशंस नज़र आएंगी कि एक जो मखसूस प्लांट है वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म द फंक्शंस लिस्टेड बिलो, बट दे डू सो इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब हम उन फंक्शंस को स्टडी करेंगे और उनके डिफरेंट तरीकों को देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ग्रो, नीड फूड, कैरी आउट अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन, प्रोड्यूस वेस्ट सब्सटेंसेस एंड रिप्रोड्यूस। लिविंग तमाम लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ग्रो करती हैं। फूड यानी कि उनको अपने मेटाबॉलिज्म को वर्क करवाने के लिए फूड चाहिए होती है। वो रेस्पायरेशन यानी कि सांस लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करवाते हैं, और रिप्रोड्यूस करते हैं जिसका मतलब कि वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग या अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को दोबारा प्रोड्यूस करवाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी। दे यूज़ देयर सेंसेस टू फाइंड आउट अबाउट देयर सराउंडिंग्स। सब लिविंग थिंग्स के अंदर सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये एक ऐसी खसूसियात है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसके ज़रिए वो ये सेंस करता है कि उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है। जैसे कि अपने आईज से वो देखता है कि वो क्या देख रहा है, वो अपनी स्किन से फील करता है, अपने नोज से किसी चीज़ को स्मेल करता है, ईयर से किसी चीज़ को हियर करता है, और टंग से किसी चीज़ को टेस्ट करता है। तो ये वो तमाम सेंसिटिविटीज़ हैं जिससे उसको पता लगता है कि उसके सराउंडिंग्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ मूवमेंट। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी। प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस द सन। कि मोस्टली एनिमल्स जो हैं वो अपनी पूरी बॉडी को मूव कर सकती हैं, लेकिन प्लांट्स अपनी बॉडी के सिर्फ कुछ पार्ट्स को ही मूव कर सकते हैं। प्लांट्स अपने लीव्स को ओपन कर सकते हैं या फिर उनको सन की तरफ टर्न कर सकते हैं सनलाइट के लिए। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर और टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं फूड के लिए, वाटर के लिए, या किसी डेंजर से अपने आप को बचाने के लिए। तो एनिमल्स की इस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। ऑल मूवमेंट यूजेज अप एनर्जी। तो कोई भी जो मूवमेंट है, कोई एनिमल की है या प्लांट की है, उसमें वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा होता है। तो अब हम डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स की मूवमेंट्स के लिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं सीडलिंग्स ग्रोइंग टूवर्ड्स सनलाइट। कि जब एक सीड को अर्थ में डाला जाता है तो
वो सनलाइट की तरफ मूव करता है और उसकी साइड पे ग्रो करता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स मूव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, दे हैव आइदर वन और टू पेयर ऑफ विंग्स। आपने कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे, जैसे कि ये बटरफ्लाई है कि इसके दो विंग्स हैं और ये अपने विंग्स के जरिए मूव कर सकती है और कहीं पे भी जा सकती है। नेक्स्ट इज अ जेलीफिश। अ जेलीफिश सिक्वीजेज वाटर आउट ऑफ इट्स बेल शेप्ड बॉडी। जेलीफिश ऐसे मूव कर रही है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये वाटर को स्क्वीज करती है अपने बॉडी से आउटवर्ड और फिर ये उससे आगे मूव करती है वाटर में। नेक्स्ट इज अ हमिंग बर्ड। द हमिंग बर्ड हॉवर्स वाइल इट फीड्स। अ लाइट वेट स्केलेटन, टू लार्ज विंग मसल्स एंड फोर लिम्स मॉडिफाइड इन टू विंग्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई। ये एक हमिंग बर्ड है और ये फीड करता है फ्लावर्स के ऊपर। इसके स्केलेटन में टू लार्ज विंग मसल्स होते हैं और फोर लिम्स होते हैं जिसके जरिए इसका विंग बना हुआ होता है और इस विंग के जरिए ये बर्ड फ्लाई करता है। नेक्स्ट इज द बर्नैकल। द बर्नैकल फिक्सेज इट सेल्फ टू वन प्लेस फॉर इट्स होल लाइफ। ये बर्नैकल फिक्स रहता है अपनी पूरी लाइफ में एक ही प्लेस में और वहीं से वो फूड लेता है। नेक्स्ट इज अ स्नेक। बाय मेकिंग लूप्स दैट ट्रेवल द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी अ स्नेक मूव साइलेंटली फॉरवर्ड। एक स्नेक किस तरह मूव करता है कि ये अपनी बॉडी के अराउंड ही लूप्स बनाता है, सर्कल्स में रोटेट करता है और साइलेंटली अपनी बॉडी के ऊपर रब करके ही मूव होता है आगे। नेक्स्ट इज अ लीच। द लीच कॉन्ट्रैक्ट इट्स मसल्स टू मूव अलॉन्ग इन लूप्स। लीच अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और लूप्स के जरिए आगे मूव करती है। नेक्स्ट इज अ फिश। अ फिश यूजेस इट्स हेड बॉडी एंड टेल टू पुश थ्रू वाटर। एक फिश अपनी हेड को, बॉडी को और टेल को यूज करती है वाटर को पुश करने के लिए और उस वाटर को पुश करके फिर वो अपनी बॉडी को आगे मूव करती है। सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ। ऑल यंग लिविंग थिंग्स ग्रो एट सम स्टेज व्हेन दे बिकम एडल्ट दे स्टॉप ग्रोइंग। तमाम जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो यंग होती हैं, अभी न्यू बॉर्न होती हैं, वो ग्रो करती हैं और वो एक स्टेज तक ग्रो करती हैं जहाँ पे वो एडल्ट बन चुकी होती हैं, उससे मजीद आगे वो ग्रो नहीं करती। सम स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली देन अदर्स। अ ह्यूमन बेबी टेक्स ओवर 20 ईयर्स टू ग्रो टू फुल साइज। कुछ स्पीशीज, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कुछ अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो एक ह्यूमन बेबी, एक नॉर्मल जो बच्चा होता है, वो तकरीबन 20 ईयर्स में अपनी फुल जो हाइट है उसमें तक ग्रो करता है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ स्नेक। अ यंग स्नेक द साइज ऑफ योर फिंगर कैन ग्रो टू बिकम एन एडल्ट ओवर 2 मीटर्स लॉन्ग। एक यंग स्नेक जो होता है, जिसका साइज आपके फिंगर जितना होता है, वो ग्रो करके एक कंप्लीट एडल्ट बन जाता है जो कि 2 मीटर्स लॉन्ग होता है। अब जो हम नॉर्मल स्नेक देखते हैं वो कितना लॉन्ग होता है, लेकिन जब वो एक यंग स्नेक के फॉर्म में होता है तो उसका साइज आपकी फिंगर जितना होता है सिर्फ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अ टाइगर। अ टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज। एक जो बेबी टाइगर होता है उसको भी कुछ ईयर्स लगते हैं अपने फुल साइज में ग्रो करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज अ प्लांट और अ बीन प्लांट। अ बीन प्लांट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज। अ स्मॉल सीड टेक्स ईयर्स टू ग्रो इन टू अ टॉल ट्री। एक जो बीन प्लांट होता है उसको सिर्फ कुछ वीक्स लगते हैं अपने फुल साइज में ग्रो करने के लिए, लेकिन एक जो स्मॉल सीड है जिससे कोई भी टॉल ट्री ग्रो करेगा उसको काफ़ी साल लग जाते हैं एक फुल ट्री में ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर और बहुत ज़्यादा ग्रो करना होता है, इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद आपने बुक से भी रीडिंग करनी है और रीडिंग के बाद अब आपने वो पॉइंट्स देखने हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक लाइफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो फंक्शंस जो हमने स्टार्ट में स्टडी किए थे,
जिससे हमें पता लगता है कि ये ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रेस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ये तमाम फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मूवमेंट में हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी लीव्स को ओपन कर सकते हैं या फिर सनलाइट की तरफ टर्न कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स अपनी लेग्स को या मसल्स को यूज़ करते हैं, कुछ के पास विंग्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट चीज़ें हैं अपनी मूवमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमने देखा ग्रोथ टाइम टेकन बाय ईच ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ डेज में या कुछ वीक्स में, जैसे कि एक बीन प्लांट था। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत टाइम, जैसे कि ईयर्स लगाते हैं ग्रो करने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना टाइम लगाता है अपने फुल टाइम में ग्रो करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।